महाराज होता था। जो जयमल का चाचा था मालदेव, वो बादशाह अकबर के दरबार में नौकरी करता था और वो जयमल से बहुत चिढ़ता था। वो जयमल की बेइज्जती करवाना चाहता था मालदेव, अपनी बेइज्जती का बदला जयमल से लेना चाहता था वो मालदेव। उसने सोचे कि ऐसा क्या खेल रचाया जाए जिससे जयमल से अपनी बेइज्जती का बदला लूं। जयमल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरने शुरू कर दिए कि बादशाह सलामत, पूरी उत्तरी भारत में आपका राज है, सिर्फ चित्तौड़गढ़ के अंदर जयमल और फतेह सिंह का राज है। अरे क्यों ना आप जयमल के साथ में रिश्तेदारी जोड़ लो, क्योंकि जयमल के घर में एक लड़की है जिसका नाम है सुंदलबाई और वो बहुत खूबसूरत है। आप जयमल से उसका डोला मांग लीजिए और उसको अपना रिश्तेदार बना लीजिए, फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर भी आप ही का राज होगा बादशाह सलामत। बादशाह सोचने लगे कि कह तो सही रहा है ये बात। प्रेमी श्रोताओ, बादशाह अकबर ने जयमल के पास में चिट्ठी लिखी कि हम आपको दावत पे बुलाना चाहते हैं, हम आपके साथ में मित्रता करना चाहते हैं, आप हमारे पास दिल्ली आइए। जब इतनी बात चिट्ठी के अंदर जयमल ने सुनी तो सारी बातों को खड़ी हुई रानी शीश मदनी देख रही है। जयमल ने कहा कि तैयारी की जाए, हम दिल्ली जाएंगे क्योंकि हमें बादशाह अकबर ने बुलाया है। तो हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि पियाजी मेरी बात मानो तो मत जाओ, अरे ये जरूर अकबर का कोई छल है, वो जरूर आपके साथ में कोई धोखा करना चाहता है। और दिल्ली तो लाशों के ऊपर बसा हुआ शहर है पियाजी, दिल्ली के अंदर तो किस किस के साथ में छल हुआ है शायद आप नहीं जानते। मैं आपको बताती हूँ कि दिल्ली के अंदर किस किस के साथ में क्या हुआ है। हे रे सोच समझ के देख लिया, करोड़ों अरबों तक कहीं ना शान खपा दिए दिल्ली ने, लाखों करोड़ों अरबों तक कहीं ना शान खपा दिए दिल्ली ने, सोच समझ के देख लिया बलवान खपा दिए दिल्ली ने, लाखों करोड़ों अरबों तक कहीं ना शान खपा दिए दिल्ली ने, लाखों करोड़ों अरबों तक कहीं ना शान खपा दिए मुरली वाला नहीं दिखता, मुरली वाला नहीं
तुगलक मंगोल रहना, खिलजी तुगलक मंगोल रहना, रहा नहीं कोई नाले लाखों करोड़ों अरबों तक ने सारा कबाड़ी दे दिए।